दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही एक करिश्मा बिलासपुर और सोलन जिला की सीमा पर कैंची मोड़ असलू के रहने वाले जगत राम ठाकुर ने कर दिखाया है। स्वर्गीय गोपाल राम के इस होनहार बेटे ने ऐसा करिश्मा किया है कि लोग हैरान हो जाते हैं। वे ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति इतने काम कैसे कर लेता है। हम बात कर रहे हैं कैंची मोड़ असलू में स्वर्गीय गोपाल राम के गराज की, जिसे अब उनके पुत्र जगत राम ठाकुर चला रहे हैं। इस पुश्तैनी धरोहर को जीवित रखने के लिए जगत राम ने गराज के साथ धान की मशीन भी लगाई है। अहम बात यह है कि वे भी पानी से ही चलती है। दिन रात मेहनत करके जगत राम ठाकुर गराड स्पेशल के नाम से गराड का पौष्टिक आटा न केवल सोलन व बिलासपुर के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसी गराड से बिजली भी पैदा कर रहे हैं। जगत राम ठाकुर ने रुड़की के एक संस्थान से ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी, लेकिन 1990 में पिता की मौत के बाद परिवार में पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। उन्होंने गराड के काम को आगे बढ़ाया और साथ ही आय में बढ़ोतरी के लिए धान की मशीन भी लगाई। ২০০৬ में उन्होंने गराड से बिजली के उत्पादन की योजना बनाई। एक संस्थान से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर 10 किलोवाट क्षमता का पावर प्रोजेक्ट स्थापित करते हुए नया मुकाम हासिल किया। गराज से पैदा की जा रही बिजली को वे अपने घर में ही प्रयोग कर रहे हैं। इसी कारोबार के बल पर उन्होंने अपनी चार बेटियों की शादी की। उनकी पत्नी और बेटा इसी काम में उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। खासकर जमा दो की पढ़ाई बेटा कर चुका है। उनका बेटा मजीद ठाकुर इसमें भी काफी रुचि ले रहा है, ताकि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा सके। मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की महिला खिलाड़ियों ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की 6 महिला खिलाड़ी भारतीय महिला हैंडबॉल टीम में जगह बनाने में सफल हुई है। ये जानकारी मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की संचालिका कोच स्नेहलता ने फोन पर दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय हैंडबॉल संघ के महासचिव अनिदेश्वर पांडे द्वारा जारी लिस्ट में आगामी 1 से 10 दिसंबर तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित होने वाली 13वीं साउथ एशियन गेम्स की हैंडबॉल स्पर्धा में भाग लेने वाली 16 सदस्यीय भारतीय टीम ने मोरसिंगी के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में लगे भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में 23 महिला खिलाड़ियों में 8 खिलाड़ी मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी की थी। प्रशिक्षण शिविर में शानदार खेल प्रदर्शन की दम पर 6 खिलाड़ियों का चयन अब भारतीय टीम में हुआ है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया व नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के चीफ कोच मोहिंदर पाल, हैंडबॉल कोच सचिन चौधरी व सोना दुबे से इन खिलाड़ियों ने हैंडबॉल की बारीकियां सीखी, जिसके दम पर इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। स्नेहलता ने बताया कि भारतीय महिला हैंडबॉल टीम में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निधि शर्मा, दीक्षा ठाकुर, मेनिका पाल, प्रियंका ठाकुर, दीप शिखा व शालिनी ठाकुर को जगह मिली है। आपको बता दें कि निधि शर्मा, दीक्षा ठाकुर व प्रियंका ठाकुर गत वर्ष अगस्त में जकार्ता के इंडोनेशिया में हुई एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसके अलावा प्रियंका ठाकुर हाल ही में लखनऊ में हुई सब जूनियर एशियन गेम्स में भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी है। शालिनी ठाकुर तथा दीप शिखा एशियन गेम्स के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा मेनिका पाल जूनियर भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। मेनिका की कप्तानी में टीम ने स्वर्ण पदक भी जीता है। वही इन महिला खिलाड़ियों से हिमाचल को जीत दिलवाना और हिमाचल के साथ साथ बिलासपुर का नाम रोशन करने की उम्मीद है।
सोलन उपायुक्त कार्यालय में जिला शिकायत निवारण समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजीव सैजल कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा सहकारिता ने की। इस मौके पर स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल, डीसी सोलन केसी चमन, भाजपा नेता, सभी विभागों के अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में न आने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री राजीव सैजल ने बैठक में न आने वाले अधिकारियों को सख्त हिदायत दी डाली। उन्होंने कहा कि बैठक लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है, ताकि समय अनुसार उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, लेकिन कुछ अधिकारियों का बैठक और जनमत जैसे कार्यक्रमों में आनाकानी करना उचित नहीं है। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आयोजित बैठक में बिजली विभाग की ज्यादातर समस्या लोगों द्वारा देखने को मिली। इस पर मंत्री ने उन्हें फटकार लगाते हुए कड़े दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को पहले अवगत कराना चाहिए कि आज शहर में बिजली व्यवस्था नहीं रहेगी।